दिस इज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। टिश्यू क्या है? टिश्यू या उत्तक एक कोशिकाओं का समूह है जो समान कार्य करती हैं आकार में भी और साइज में भी और शेप में भी लगभग सेम होती हैं, तो उसे हम उत्तक कहते हैं, उस ग्रुप को हम उत्तक कहते हैं। हमारे मानव शरीर में चार प्रकार के उत्तक होते हैं, अगर क्लासिफाई करें हम तो चार प्रकार के होंगे। पहला है उपकला उत्तक या एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू, मांसपेशियों का उत्तक या मस्कुलर टिश्यू और दिमाग का उत्तक या नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम, उपकला उत्तक शरीर की सभी खुली सतहों को कवर करने वाली उत्तकों की एक पतली शीट होती है जैसे स्किन, और केवल स्किन ही नहीं अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको भी, चाहे कवर करना हो चाहे उनके अंदर की तरफ का अस्तर लगना हो, वो सब एपिथेलियल टिश्यू करेगा। जैसे बाहरी त्वचा, मुंह की आंतरिक परत, पाचन तंत्र हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी अंदर की लेयर, स्रावी ग्रंथियां जितनी भी हैं उनकी कवरिंग और लेयर, हार्ट की लेयर, फेफड़े, आंख, कान, मस्तिष्क की जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है, रीढ़ की हड्डी की जो इंटरन जो कैनाल है उसकी अंदरिंग अंदर की जो लाइनिंग है वो, इसके अलावा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट और हर प्रत्येक अंग जो खोखला है उसको अंदर से अस्तरित इसी एपिथेलियल टिश्यू द्वारा किया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम जो है इसमें जो सेल्स हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं, और जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं वो बहुत ही कम होता है या नहीं के बराबर होता है। कोशिकाएं आमतौर पर एक झिल्ली के ऊपर स्थित होती हैं, पहले एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर ये सेल्स लगी होती हैं एक लेयर की, ठीक है। और ये जो उपकला उत्तक है ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो एक लेयर का या अनेक लेयरों का। एक लेयर का है तो इसे हम सरल या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, और अनेक लेयर का है तो इसे हम स्तरीकृत या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। तो पहले स्टडी करते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है। सिंपल का अभी जैसे मैंने आपको बताया एक ही लेयर होगी इसमें, तो जब उपकला या एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर व्यवस्थित कोशिकाओं की केवल एक परत से बना होता है तो इसे हम सरल उपकला उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का जो आकार है उसके अनुसार इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो जो सेल का जो शेप है, आकृति है, वो डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है, क्या और किस जगह वो लगी हुई हैं, उसके आधार पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्या है ये क्लासिफिकेशन, आइए देखते हैं। सबसे पहले है स्क्वेमस एपिथीलियम। स्क्वेमस मतलब चपटी, फ्लैट। क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो क्यूब की आकृति की होंगी, और कोलमनर जो कोलम की आकृति की होंगी। तो ये क्या है, एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। पहले आता है स्क्वेमस एपिथीलियम। स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू जो है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लगा हुआ सेल्स का एक लेयर का बना हुआ टिश्यू है, और वो जो लेयर है वो कैसी होगी, फ्लैट लेयर होगी सेल्स की। इसमें कोशिकाएं एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से टाइल्स की तरह, जैसे फर्श की टाइल होती हैं वैसे एक दूसरे के साथ लगी होती हैं, और ऊपर से बहुत ही चिकनी या फ्लैट होती हैं। अब एक लेयर की बनी हुई है तो इसमें से डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है। डिफ्यूजन मतलब कि जो एक साइड से दूसरी साइड तक, जैसे ऑक्सीजन का जाना है, पानी का जो बहाव है, आयन है, वो बड़ी आसानी से इसमें से आ जा सकते हैं, तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये जो स्क्वेमस एपिथीलियम है ये कहाँ कहाँ लगा होता है, एक तो हार्ट में जो इंटरनल लाइनिंग है उसकी जो बहुत ही चिकनी स्मूथ होती है, तो वो स्क्वेमस एपिथीलियम का बना होता है। इसी प्रकार जो हमारे फेफड़े हैं उसका जो एल्वियोलाई है, वायु कोशिका, वो भी स्क्वेमस एपिथीलियम का बना होता है, इसीलिए वहां से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है वो बहुत ईजिली हो जाता है। इसके अलावा जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी में, उनकी कलेक्टिंग ट्यूब्स के अंदर भी स्क्वेमस एपिथीलियम लगी होती है। उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम जैसा कि नाम से क्लियर है क्यूब, तो इसमें जो सेल्स होती हैं वो क्यूब के समान होती हैं, ठीक है।
और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित होती हैं। ये जो क्यूबॉइडल जो एपिथीलियम है वो कहाँ कहाँ लगी होती है? वो वहां होगी जहां पर एब्जॉर्प्शन होना है या अवशोषण या सिक्रीशन होना है या उत्सर्जन होना है। तो जैसा कि हमने देखा, उत्सर्जन कहाँ हो रहा है? गुर्दे में। तो जो गुर्दे की नलिकाएं हैं यानी किडनी, वहां पर क्यूबॉइडल एपिथीलियम हो। और कुछ जो ग्लैंड्स हैं, चाहे वो एंडोक्राइन हो चाहे एक्सोक्राइन हो, वहां भी क्यूबॉइडल सेल्स लगी होंगी। कोलमनर एपिथीलियम, कोलमनर मतलब जो सेल्स हैं वो लंबी होंगी कोलम के समान, ठीक है। और ये कहां? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर ये सेल्स लगी होंगी, पर लेयर एक ही होगी। देखने में मोटी लग रही है बट लेयर वन है। ये कई अंदरूनी जो अंगों के अंदरूनी हिस्सों में पाया जाता है और इनमें अलग अलग जगह अलग अलग अनुकूलन होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो कहाँ लगी हुई है। जैसे यदि हम देखें स्टमक की जो कोलमनर एपिथीलियम है वो प्लेन है, ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो ये केवल सिक्रीशन का कार्य करेगी, यहाँ बीच बीच में गोब्लेट सेल्स होती हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करती है। यही कोलमनर सेल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इस समय हम फिर जो कोलमनर एपिथीलियम विद माइक्रोविलाई इनको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ जो अपर लेयर है वहां पर ये छोटी छोटी फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाती हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। यहां पर जब माइक्रोविलाई हो गई है तो इनका काम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और इसी प्रकार जब इनके ऊपर सीलिया होता है, सीलिया क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कंटिन्यू मूव करती हैं, सीलियरी मूवमेंट, ठीक है ना, इस प्रकार की मूवमेंट ये करती रहती हैं। तो इस प्रकार का जो टिश्यू होता है उसे हम सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम कह देंगे। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे जो श्वास नली है उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि श्वास नली में जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वो एक तो म्यूकस जो यहाँ से म्यूकस सीक्रेट हो रहा है उस पर चिपक जाते हैं, और इसके बाद ये जो डस्ट और ये जो म्यूकस है इसको कंटिन्यू बाहर निकालना होता है। तो बाहर ये सीलिएटेड मूवमेंट से वो जो म्यूकस है डस्ट वाला वो बाहर आता रहेगा, थ्रोट में आ जाएगा, वहां से बाहर थूक के निकाल सकते हैं या अंदर स्टमक में भी चला जाता है। तो ये कंटिन्यू जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसी प्रकार ये सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम गर्भाशय ट्यूब जो होती है फेलोपियन ट्यूब उसमें भी होती है। वहां ये क्या काम करती है कि जो ओवम है उसको कंटिन्यू मूव कराती रहती है, कहां तक? यूट्रस तक, गर्भाशय तक। तो वहां से इस मूव को कराने में भी ये सीलियरी जो सीलिया है इनका बहुत महत्व होता है। तो ये तो हमने अभी की सिंपल एपिथीलियम जिसमें एक लेयर थी, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यू जिसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी। स्ट्रेटिफाइड या जो स्त्रीकृत है जिसमें स्तर हैं अलग अलग, स्त्रीकृत उपकला या एपिथीलियम अलग अलग आकृति की कई कोशिकाओं की लेयर होती है, यानी एक ही टिश्यू के अंदर आपको कोलमनर सेल भी दिखेंगी, क्यूबॉइडल भी दिखेंगे और फ्लैट भी दिखेंगे। क्योंकि जब वो नीचे की जो लेयर हैं जहां से वहां से वो डेवलप हो रही होती हैं वो कोलमनर हैं। अब जैसे जैसे ये लगातार ग्रो करती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी वाली ऊपर जाती रहती हैं, जैसे वो ऊपर जाती हैं वैसे वो फ्लैट होती जाती हैं, ठीक है। तो कोलमनर से क्यूबॉइडल बनी, क्यूबॉइडल से और छोटी हो गई, फ्लैट बनी, और लास्ट में वहां से रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है। मतलब हमारा जो ये लेयर है वो चेंज होता रहता है, कौन सा? स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम वाला। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि एक तो जो उसके नीचे हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी सुरक्षा करना और वियर और टीयर से रक्षा करना। अगर रगड़ लग रही है ऊपर वाली लेयर चली गई तो नीचे वाली लेयर आ जाएगी, ठीक है ना। इसी अब जो स्ट्रेटिफाइड उपकला है इसे भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है और एक ट्रांजिशनल एपिथीलियम है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्या होगा? स्क्वेमस मतलब जहां पर फ्लैट सेल्स हैं ऊपर, है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम कोशिकाओं की कई परतों का बना होता है। सबसे गहरी जो परत है वो स्तंभाकार होती है, थोड़ी सी कोलमनर टाइप होंगी, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती हैं वैसे वैसे ये चपटी होती जाती हैं और अंत में यहां से हट जाती है,
ठीक है, और नीचे और लेयर बनती रहती है, ठीक है, ये बनेंगी और फिर ये ऊपर आती जाएंगी और लास्ट में हट जाएंगी। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है पुनर्निर्माण की, ये पूरे जीवन में लाइफ टाइम सतत चलती रहती है। स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसे हम आगे कीरेटिन की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। कीरेटिन है तो उसे हम कहेंगे कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और कीरेटिन नहीं है तो इसे हम कहेंगे नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? ये सूखी सतहों पर पाया जाता है, ठीक है, सूखी सतह मतलब जैसे स्किन, बाल, नाखून, इसमें जो सतह पर परत है यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां पर मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत उपकला कोशिकाएं होती हैं जो अपना नाभिक खो देती हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और प्रोटीन केराटिन वो उसमें होता है जिसके कारण ये काफी स्ट्रोंग हो जाती हैं। ये कठिन अपेक्षाकृत जलरोधी, ठीक है ना, जलरोधी होती हैं, मतलब ये पानी से आपकी सुरक्षा करती हैं, और जो नीचे की कोशिकाएं हैं उनको ड्राई होने से बचाती हैं। अब जब ये पूरी ऊपर आ जाती हैं त्वचा की सतह पर, तो उस वो लेयर घिसकर चेंज हो जाती है और नीचे से नई स्किन आ जाती है। आगे है दूसरा नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यह ज्यादातर उन गीली सतहों पर पाया जाता है जो वियर टीयर के होने के उनके चांस रहते हैं, बट वो नम होती हैं। उन्हें सूखने से बचाने के लिए ये कंटिन्यू उसको वियर एंड टीयर जो अपर लेयर है उसको निकालता रहता है। एग्जाम्पल देखें तो आंखों की जो कंजक्टाइवा है वहां पर इस प्रकार का टिश्यू है, मुंह का अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अस्तर लगा हुआ है, फेरिंग्स, इसोफेगस और योनि का जो अस्तर है वो सारा का सारा किससे बना हुआ है? नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का। उसके बाद है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी स्ट्रेटिफाइड है, मतलब कई इसके अंदर लेयर्स हैं, ठीक है, बट इसमें बेनिफिट क्या है कि ये रबर की तरह खींच सकता है, ठीक है, तो ये बिना खींचा हुआ है और इसको यदि स्ट्रेच कर दें तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये वहां होगा जहां पर स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग कहाँ होती है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, तो ये मूत्राशय में पाया जाता है और मूत्राशय से भर जाता है, हमारा ब्लैडर भर जाता है तो ये फैल सकता है, ठीक है ना, तो इसमें कलेक्शन होता रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। जब ये ब्लैडर खाली होगा तो वापस ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।